सबसे पहले मैं अध्यात्म के कुंभ में था, फिर आधुनिकता के कुंभ में गया। बनारस के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और अब मैं एक प्रकार से स्वरोजगार के इस कुंभ में पहुंच गया हूं। यहां भांति भांति के शिल्पकार कलाकार एक ही छत के नीचे, उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। एक एक धागे को जोड़कर, मिट्टी के एक एक कण को घड़कर, बेहतरीन निर्माण करने वालों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चलाने वाले एक ही छत के नीचे बैठे हैं। ऐसा दृश्य मन को आनंदित करता है, एक नया विश्वास पैदा करता है, उत्साह बढ़ा देता है। सच में काशी एक है, लेकिन इसके रूप अनेक है। मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम के इस आयोजन के लिए प्रशंसा करता हूं। यूपी के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने, उनको दुनिया के व्यापक ऑनलाइन बाजार पर उपलब्ध कराने का ये जो प्रयास है, इससे पूरे देश को लाभ होने वाला है। यही नहीं, हमारे बुनकर साथियों को, दूसरे हस्तशिल्पियों को जो मशीनें दी जा रही हैं, बैंकों से जो लोन दिया जा रहा है, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए अनेकविध सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सारी बातें बहुत बहुत सराहनीय है। आज भी जिनको ये सुविधाएं यहां मिली है, ऐसे तमाम साथियों को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, भारत की हमेशा से ही ये शक्ति रही है कि यहां के हर क्षेत्र, हर जिले की पहचान से कोई न कोई विशेष कला, विशेष आर्ट और विशेष उत्पाद जुड़ा रहा है। ये सदियों से हमारे यहां परंपरा रही है और हमारे व्यापारियों कारोबारियों ने इस परंपरा का प्रचार प्रसार भी पूरी दुनिया में किया है। अलग अलग तरह के मसाले, अलग अलग तरह का सिल्क, कहीं कॉटन, कहीं पश्मीना, कहीं मिनरल्स, न जाने क्या नहीं है, भंडार भंडार ही भरे पड़े हैं। हमारे हर जिले के पास एक प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट की अपनी एक विशेषता है, उसकी अपनी एक कहानी है। हमारे आदिवासी अंचलों में भी बेहतरीन आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, ऐसे अनेक हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ऐसे अनेक उद्योग हैं जो पारंपरिक हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए जा रहे हैं और यही मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे विचारों के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के पीछे भी भारत का यही सामर्थ्य है। साथियों, हमारे पास संसाधनों की और कौशल की कभी कमी नहीं रही है। बस एक व्यापक सोच के साथ
काम करने की जरूरत है। जरूरत बस इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे बताया गया है कि यूपीआईडी द्वारा पिछले दो वर्षों में 30 जिलों के 3500 से ज्यादा शिल्पकारों बुनकरों को डिजाइन में सहायता दी गई है। क्राफ्ट से जुड़े उत्पादों में सुधार के लिए 1000 कलाकारों को टूल किट भी दिए गए हैं। बायर सेलर्स मीट के जरिए शिल्पकारों बुनकरों के कॉन्क्लेव के जरिए टूल किट देकर अनेकों वर्कशॉप आयोजित करके यूपीआईडी ने हजारों कलाकारों को अपना कारोबार बढ़ाने में भी और अपने कारोबार में नयापन लाने में भी बहुत बड़ी मदद की है। दुनिया में क्राफ्ट और शिल्पकारी में जो कुछ चल रहा है, यूपी के कलाकारों के लिए यूपीआईडी उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, यहां आने से पहले मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी एक बहुत शानदार प्रदर्शनी को भी देख करके आया और मेरा आपसे भी आग्रह है कि इस प्रदर्शनी को बारीकी से जरूर देखिए। आप यूपी के अलग अलग हिस्सों के उत्पादकों का शानदार कलेक्शन वहां है। वहां दोना पत्तल बनाने वाले कारीगरों को आधुनिक मशीनें भी दी गई हैं और उनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। साथियों, अब जब भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया है, पूरी दुनिया प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ रही है, ऐसे समय में हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली समाधान हम पूरी देश के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। साथियों, जरूरत बस अपनी इस पुरातन परंपरा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के हिसाब से ढालने की जरूरत है। अपने उत्पादकों को और परिष्कृत करने, रिफाइन करने, उसमें समय के हिसाब से जरूरी बदलाव लाने, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की है। और यह तभी संभव है जब परंपरा से चल रहे इन उद्योगों को हम संस्थागत सपोर्ट दें। जब बदलती दुनिया, बदलते समय, बदलती मांग के अनुसार इन उत्पादों में भी जरूरी बदलाव करें और इसके लिए इन पारंपरिक उद्योगों से जुड़े साथियों को ट्रेनिंग, आर्थिक मदद, नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा ये मिले, ये बहुत जरूरी है। बीते 5-5.5 वर्षों से यही प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। ये सोलार चरखा, ये सोलार लूम, इलेक्ट्रिक चाक, ये सब इसी के उदाहरण है। इतना ही नहीं, आज जिस हस्तकला संकुल में हम सभी बैठे हैं, ये भी सरकार की इसी सोच और अप्रोच का परिणाम है। आप मुझे बताइए, साल 2014 से पहले बनारस का, यूपी का सामान्य बुनकर, सामान्य निर्यातक इस तरह निवेशकों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संवाद कर सकता था क्या? कभी उसने सोचा भी था क्या? ये संभव ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई मंच ही नहीं था। तब की सरकारों के पास
पैसा नहीं था या समझ नहीं थी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। सवाल था कि अप्रोच की समस्या थी। अब देश उस पुरानी अप्रोच से आगे निकल चुका है। देश के हर क्षेत्र, हर व्यक्ति को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेंटर के अलावा भी वाराणसी सहित पूरे देश में अनेक ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां सामान्य हस्तशिल्पी, सामान्य कारोबारी अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सके। मैं योगी जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना केंद्र सरकार के व्यापक विजन को भी गति दे रही है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि बीते दो वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये ग्रोथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं और एमएसएमईज को मिल रही सुविधाओं के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब इसमें अभी जो लॉन्च किया गया ई कॉमर्स पोर्टल भी आने वाले दिनों में बहुत मदद करेगा। साथियों, इस बार का जो बजट है उसने भी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्ष के लिए छोटे और मझले उद्योगों के विकास का एक खाका खींचा गया है। इस बजट में जिन क्षेत्रों पर सबसे अधिक फोकस रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें भी एमएसएमईज और स्टार्टअप्स प्रमुख रहे हैं। यही मेक इंडिया के देश में बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण के बड़े माध्यम है। साथियों, टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग देश में, उत्तर प्रदेश में रोजगार निर्माण का बहुत बड़ा माध्यम है। ये पूरा क्षेत्र तो बुनकरों का, कालीन उद्योग से जुड़े कलाकारों और श्रमिकों का एक प्रकार से मुख्य केंद्र है। लाखों परिवारों का जीवन कपड़ा और कालीन उद्योग पर चलता है। इसी टेक्सटाइल उद्योग को नया आयाम देने का प्रयास इस वर्ष के बजट में किया गया है। जैसे जैसे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का विस्तार हुआ है, टूरिज्म बढ़ रहा है, डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर विस्तृत हो रहा है, वैसे वैसे इन सेक्टर में टेक्सटाइल की डिमांड भी, और वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल की डिमांड भी बहुत व्यापक हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज भारत हर वर्ष करोड़ों रुपयों से अधिक का टेक्निकल टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है, आयात करता है, लेकिन जितना कारपेट हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा टेक्निकल टेक्सटाइल हम इंपोर्ट करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए इसके रॉ मटेरियल यानी पॉलीमर फाइबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इस बजट के अंदर खत्म कर दी गई है। दशकों से टेक्सटाइल की दुनिया से जुड़े लोग दशकों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन उस काम को इस सरकार ने इस बार पूरा कर दिया है। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी शुरू किया गया है, जिस पर आने वाले 4 सालों में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में टेक्निकल टेक्सटाइल के निर्माण से जुड़ी जरूरी सुविधाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और स्किल का निर्माण किया जाएगा। साथियों, इस साल के बजट में यूपी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी करीब 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
हाल में लखनऊ में दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों ने यहां उद्योग लगाने की रुचि दिखाई है। कई कंपनियां समझौते भी कर चुकी हैं। इस डिफेंस कॉरिडोर से मौजूदा छोटे लघु और मझोले उद्योगों को भी लाभ होगा और अनेक नए लघु उद्योगों के लिए भी रास्ता खुलेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, न्यू इंडिया की एक पहचान वेल्थ क्रिएटर्स पर विश्वास, उनका सम्मान भी है। आज कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य जन को और सामान्य कारोबारी को कागजों के दस्तावेजों के बोझ से मुक्त किया जाए, सरकारी प्रक्रियाएं उलझाने के बजाय सुलझाने वाली हो, रास्ता दिखाने वाली हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। यहां जो एमएसएमई से जुड़े उद्यमी साथी है, आपकी ऑडिट वाली एक बहुत बड़ी शिकायत रहती थी, सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों में भी आपको कागजों में उलझे रहना पड़ता था और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखवाना पड़ता था, ऑडिट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। कितना अनावश्यक खर्च और समय की भी बर्बादी इन सब चीजों पर करना पड़ता था। इस बजट में आपको इससे मुक्ति मिली है। अब ऑडिट सिर्फ 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले उद्योगों के लिए ही रखा गया है। साथियों, सरकार के अलग अलग विभागों कई बार लंबी प्रक्रियाओं की वजह से छोटे उद्यमियों को कैश फ्लो की समस्या भी आती रही है। अब कानून में संशोधन किया गया है, जिसके बाद आपके सामान के बिल और इनवॉइस के आधार पर एनबीएफसी आपको ऋण दे सकेगी। लोन की सुविधा को और आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की योजना है। आप अपने मोबाइल फोन से लोन ले सकते हैं, ये स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए भी एमएसएमई के लिए नई योजना बनाने की घोषणा की गई है। साथियों, यही नहीं, सरकारी खरीद से लेकर लॉजिस्टिक्स तक भी अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनका सीधा लाभ छोटे और मझोले उद्योगों को होने वाला है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम GEM के बनने से सरकार को सामान बेचने में छोटे उद्यमियों को बहुत आसानी हुई है। इससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता भी आई है। अब इस सिस्टम को और आसान बनाने के लिए यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाने की घोषणा की गई है। इससे सरकार छोटे उद्यमियों के द्वारा दी जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज और वर्क सभी को एक ही प्लेटफॉर्म से प्रोक्योर कर पाएगी। साथियों, एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंडिंग की डिजिटल व्यवस्था तैयार की जा रही है। इससे निर्यातकों को रिफंड की सुविधा तेजी से और आसानी से सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों, एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म जिससे इस हॉल में बैठे सभी स्टेक होल्डर्स को लाभ होने वाला है, जीएसटी लागू होने से देश के लॉजिस्टिक्स में एक व्यापक बदलाव आया है। अब इस बदलाव को और मजबूत किया जा रहा है। देश में पहली बार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी तैयार की जा रही है। इससे सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट का निर्माण होगा। इससे लघु उद्योग अधिक कॉम्पिटिटिव होंगे और रोजगार निर्माण में भी मदद मिलेगी। एमएसएमई को
सशक्त करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स के आयात को कम किया जा रहा है जिनसे बेहतर उत्पाद भारत में ही बन रहा है। साथियों, टैक्स सिस्टम में सुधार, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कॉरपोरेट टैक्स हो या फिर जीएसटी हो, इसका भी व्यापक लाभ आप सभी को, देश के हर साथी को होने वाला है। देश के वेल्थ क्रिएटर्स को अनावश्यक परेशानी ना हो, इसके लिए पहली बार टैक्स पेयर्स चार्टर बनाया जा रहा है। दुनिया के बहुत देश होंगे जहां इस प्रकार की सोच नहीं है। इससे टैक्स पेयर के अधिकार तय होंगे, टैक्स पेयर को उसके कारण सामने से कोई भी आएगा तो उसको पूछने की ताकत मिलेगी, एक बहुत प्रकार से बहुत बड़ा एश्योरेंस टैक्स पेयर को मिल रहा है। टैक्स कलेक्शन को भी फेसलेस किया जा रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स को 15% तक किया गया है। आज भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स की दरें इतनी कम है। इन्वेस्टर्स को आसानी हो, इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाने की भी योजना है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम करेगा। इससे निवेशकों को सेंटर और स्टेट लेवल पर जरूरी क्लियरेंस की जरूरी जानकारी लेना आसान हो जाएगा। साथियों, ये तमाम कदम हर भारतीय के लिए, हर स्टेक होल्डर के लिए, हर निवेशक के लिए, हर उद्यमी के हित में है। देश को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो आगे भी उठाए जाएंगे। हमारे बुनकरों, हस्तशिल्पियों, छोटे उद्योग से जुड़े श्रमिकों के हित में लिए जा रहे फैसले आगे भी होते ही रहेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने और प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं फिर एक बार इस भव्य आयोजन के लिए, एक फोकस इनिशिएटिव के लिए और वैश्विक पहचान बनाने के लिए ये जो योजना बनाई है, जो आज का समारोह आयोजित किया है, आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और कुछ ही दिन के बाद बनारस का सबसे प्यारा महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।